सरोजनी नगर वीडियो सो ये मेरे यूजनी नगर से बहुत अलग होने वाला है इसमें ज्यादातर को चेकआउट किया है एंड दिस इज सरोजनी नगर नवंबर कलेक्शन सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट सो लेट स्टार्ट आउट विद दिस हंड्रेड रुपीज का स्टॉल जो आपको शॉप नंबर वन नाइनटी टू के जस्ट सामने मिल जाएगा एंड ये हंड्रेड रुपीज़ के स्टॉल में आपको निटेड स्वेटर्स प्लस निटेड श्रग्स भी मिल जाएंगे एंड ट्रस्ट मी आप जब भी सरोजनी नगर जाएँ तो ऐसे हंड्रेड रुपीज़ वाले स्टॉल्स हमेशा चेकआउट कीजिए बिकॉज शॉप से ज़्यादा आपको सस्ते रेट्स पर मिल जाते हैं एंड ईज़िली आपको बहुत अच्छा कलेक्शन भी मिल जाता है तो नाउ दिस इज़ शॉप नंबर वन ज़ीरो सिक्स जहाँ पर आपको मिक्स्ड कलेक्शन मिलेगा एंड अभी जो वुलन का स्टफ़ है वहाँ सरोजनी नगर में आपको हर दुकान पर मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है एंड इसमें आपको एक छोटा सा सेक्शन भी मिलता है जहाँ पे आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डेनिम ले सकते हैं एंड अभी वाइड लेग और स्ट्रेट पैंट्स का बहुत ज़्यादा फैशन है तो आप भैया से पूछ भी सकते हैं तो वो आपके लिए सेम आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको जीन्स भी दे देंगे ना इसी शॉप के जस्ट सामने एक और हंड्रेड वाला स्टॉल था जहाँ पर आपको टी शर्ट्स मिल रहे थे समर वाले एंड सरोजनी नगर है तो आपको यहाँ पे समर एंड विंटर कलेक्शन बहुत देखने को मिल जाएगा लेकिन अभी नवंबर का टाइम है तो इन्होंने पूरा प्रॉपर विंटर का कलेक्शन लगाया हुआ है जहाँ पे आप बहुत ही प्यारे अमेजिंग पीसेस ले सकते हैं ओनली फॉर रुपीज़ हंड्रेड क्योंकि हंड्रेड वाले भी वहाँ पे कोर्ट्स के स्टॉल्स होते हैं एंड आप वहाँ से निटेड स्वेटर्स ले सकते हैं पफर जैकेट्स ले सकते हैं एंड टेडी जैकेट्स ले सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रेंडी पीसेज आए हुए हैं सरोजनी नगर में लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा रुक के जाइए बिकॉज अभी वो लोग अपना पुराना वाला जो माल होता है वो ज़्यादातर सेल करते हैं तो मिड दिसम्बर और डिसम्बर स्टार्टिंग तक आपको एकदम फ्रेश पीसेज वहाँ पर मिल जाएंगे नाउ डेनिम का कलेक्शन इस बार मुझे बहुत देखने को मिला सरोजनी नगर में बिकॉज़ विंटर्स में ही डेनिम ज़्यादातर पहना जाता है तो उसकी भी वैरायटी आई हुई थी डेनिम जैकेट्स की भी बहुत ज़्यादा वेराइटी आई थी शॉर्ट्स थोड़े कम हो गए थे एंड ये वन जीरो सिक्स के थोड़ा आगे चल के आपको एक ज्वेलरी का स्टॉल मिलेगा जहाँ पे अगेन इंस्टाग्राम वाली जो ज्वेलरी होती है जो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट्स में मिलती है यहाँ पे आपको ईजीली हंड्रेड फिफ्टी और टू फिफ्टी तक मैक्स मिल जाएगी एंड ट्रस्ट मी इनकी क्वालिटी एंड सब कुछ बहुत टॉप नॉच होता है सो आपको यहाँ से बहुत ही प्यारा कलेक्शन मिल जाएगा इनके पास एज एट द सेम टाइम आपको चोकर्स मिल जाएंगे एंड ड्रेसेस के लिए आपको सेम कलर के पीसेस भी मिल जाएंगे एंड यस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो हमारा फेवरेट है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में देखने को मिलेगा तो यस डेफिनेटली चेकआउट डीज काइंड ऑफ स्टॉल्स नाव दिस इज़ शॉप नंबर वन एटी एट एंड जो जो शॉप्स मैं मैंने पर्सनली uh, शॉप किया है मैं वो वो शॉप्स आपको uh, स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा नाओ इस शॉप में आपको बहुत ही प्यारे कोड्स एंड ट्रेंच कोड्स मिल जाएंगे एंड ऑल्सो इनके पास थोड़ा एक कलेक्शन फॉर्मल्स का भी था अदर देन दैट आपको यहाँ पे पफर जैकेट्स मिल जाएंगे एंड कॉम्बैट जैकेट्स भी मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इन होती है लाइक like विंटर में वो मेरा पर्सनल फेवरेट होता है तो मैं हमेशा सरोजनी नगर से एक दो ऐसे शॉप्स और स्पेशली ग्राफिटी लेन में ज़रूर चेक करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस रेंज पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे जैकेट्स एंड कोट्स मिल जाते हैं नाउ यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की है इनके पास बहुत ही प्यारे टेडी स्वेटर्स थे एंड निटेड स्वेटर्स भी थे जो आपको सिमिलरली एच एन एम और जारा पे देखने को मिलते हैं एंड जो जो पीसेज मुझे पसंद आए मैंने आपको दिखाने की भी कोशिश की है अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था बिकॉज मैं शॉप से ज़्यादा इस बार स्टॉल्स चेकआउट कर रही हूँ तो ये जस्ट वन एट एट के बाहर एक कलेक्शन था जो हंड्रेड रुपीज़ में शॉर्ट कोट्स लगा के बैठे थे एंड येस uh, yes, आपको थोड़ा उसको सर्च करना होता है एंड आप बहुत ही एक अच्छा पीस अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हैं तो यस डेफिनेटली चेक आउट डीज हंड्रेड रुपीज़ वाले स्टॉल्स एट्टी वाले एंड अब तो वन फिफ्टी रुपीज़ में आपको दो भी uh, मिलते हैं जैसे आप दो चीज़ें ले सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑफर रहता है एंड ये देखिए बहुत ही फ्रेश पीसेज़ मिलते हैं आपको तो येस yes, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये हमेशा चेक करना चाहिए अगेन एज आई सेड कि डेनिम का बहुत ही ज्यादा कलेक्शन आया हुआ था सरोजनी नगर में तो यस ये वाली जो शॉप है ये वन, वन एट एट के जस्ट सात वाली शॉप है जहाँ पे आपको पूरा डेनिम का कलेक्शन मिलेगा एंड एज यू कैन सी इनके पास हर टाइप का डेनिम है एंड डेनिम का जैकेट्स भी हैं एंड डेनिम के जैकेट्स में आपको आजकल वो वूलन वाला फर भी लगा हुआ मिलता है तो ये शॉप में आपको एक पूरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन कह सकते हैं आप डेनिम्स के लिए एंड उसके जस्ट बाहर ये डेनिम का ही इन्हीं का ये स्टॉल था जो आ, मतलब थोड़े अनफ्रेश और आ, ऐसे थोड़े पुराने वाले जो जैकेट्स होते हैं बट येस स्टिल आपको ये चेकआउट करना चाहिए बिकॉज़ इसमें भी समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रेश जो माल होता है ना वो इन्हीं स्टॉल्स में आपको मिल जाता है तो जैक, चेकआउट कर सकते हैं बट अगर थ्री फिफ्टी लेना है तो हम शॉप से ही लेंगे बट स्टिल आपको ये चेक करना चाहिए बिकॉज आपको बहुत अच्छे अच्छे रेट्स में आ, का, कई बार ऐसा होता है बहुत फ्रेश पीसेज मिल जाते हैं एंड ये उसी के ही जस्ट आ, थोड़ा ही छोटे ही डिस्टेंस पे ये वाला जो स्टॉल था यहाँ पे सिर्फ आपको वूलन के श्रग्स मिल रहे थे ओनली फॉर रुपीज हंड्रेड और हंड्र, हंड्रेड फिफ्टी आपको दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर ये जो स्टॉल से आप शॉपिंग करते हैं आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए बिकॉज इसमें कई बार स्टेन होता है एंड कहीं से ये फटा हुआ भी होता है नाउ ये शॉप मैंने पहली बार ऐसे सर्च किया है दिस इज़ कॉल्ड वन वन फोर एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज़ टू फिफ्टी रुपीज़ की मिल रही थी यहाँ पे सेल लगा हुआ था टू फिफ्टी का तो मैंने यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं विच यूल सीन मैं नेक्स्ट प्रोबली नेक्स्ट वीडियो में ही शो कर दूँगी तो यहाँ पे आपको 200 हंड्रेड एंड टू का एक साइड था 200 का एंड एक साइड था 250 का जहाँ पे आपको अमेजिंग श्रग्स एंड निटेड स्वेटर्स मिल रहे थे एंड स्वेटर्स में भी आपके पास वेराइटी थे आप क्रॉप टॉप्स भी ले सकते हैं एंड ऑल्सो लॉन्ग वाले जो निटेड स्वेटर्स रहते हैं पूरा वो भी ले सकते हैं एंड यहाँ टेडी जैकेट्स भी थे प्लस वहाँ पे जो ड्रेसेस रहते हैं वुलन ड्रेसेस वो भी थे काफ़ी अच्छा मुझे कलेक्शन लगा इनका एंड ओनली फॉर रुपीज टू हंड्रेड एंड टू फिफ्टी रुपीज़ न आगे चल के ये जो शॉप था यहाँ पे हैंडमेड बैग्स मिल रहे थे एंड यही सेम चीज़ आपको अमेजोन पे मिलती है एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीपर प्राइजेस पे मिल रहे थे अगेन आपको थोड़ा सर्च करना पड़ता है बिकॉज ये थोड़े डिफेक्टिव भी रहते हैं एंड हंड्रेड रुपीज़ का मिल रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है बट हल्का सा आप चेकआउट कर लीजिए कि कहीं से फट ना रहो कोई स्टोन वगैरह ना निकल रहा हो और अदरवाइज तो बहुत अच्छा रहता है एंड ये नीचे भी काफ़ी सारे हैंडमेड बैग्स लगा के रख रह, रखते हैं मैक्रमे वाले एंड जूट बैग स्पेशली तो यस अगेन आपको पफर जैकेट्स बहुत देखने को मिलेंगी स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एंड अब तो ऐसा हो गया शाइनी मटेरियल में भी आपको पफर जैकेट्स मिल जाते हैं टेडी जैकेट्स मिल जाते हैं एंड ऑल्सो वो जो हाइकिंग के लिए जो जैकेट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी सरोजनी नगर में मिलते हैं तो हमें ये चेकआउट कीजिए एंड आपको बस ये देखना है कि कोई भी पीस फटा हुआ नहीं है स्टेन नहीं है उसके ऊपर एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगे वो देखने में ऐसा लगे ही नहीं कि हमने सरोजनी नगर से लिया है अगेन सिमिलर शॉप्स आपको वूलन स्कर्ट भी आप बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे एंड जाते जाते जो स्टेलेटोज़ है उसके जस्ट सामने ये वाला स्टॉल था जो मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक ये स्टॉल मैंने पहली बार देखा है इनके पास जस्ट रुपीज़ हंड्रेड में ना इतने अमेजिंग स्वेटर्स थे एंड सारे बहुत फ्रेश थे लाइक ऐसा एक भी स्वेटर नहीं था जो आपको लगे कि पुराना है या फटा हुआ है कुछ भी नहीं सब कुछ बिल्कुल फ्रेश था तो यस मैंने यहाँ से एक दो स्वेटर्स लिए हैं सो या गाइस दैट इज इट फॉर टुडे इज वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आने वाली वीडियोज़ का